हेलो बच्चों, आज हम लोग डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, जो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में दिया था। उन्होंने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का त्रिविम मॉडल प्रस्तुत किया था। अपने इस कार्य के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस मॉडल के अनुसार डीएनए दोहरी हेलिक्स से बना होता है। एक हेलिक्स एक सीढ़ी के आकार का होता है। दोहरे हेलिक्स के दो श्रृंखलाओं के बीच पिरिमिडीन तथा प्यूरीन के सेतु बने होते हैं। ये जो स्लाइड आपको दिखाई जा रही है, ये जेम्स वॉटसन हैं जो राइट हैंड साइड पर हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पर फ्रांसिस क्रिक हैं अपने डीएनए मॉडल, थ्री डायमेंशनल मॉडल के साथ। हेलिक्स के प्रत्येक मोड़ लगभग 34 डिग्री एम स्ट्रॉन्ग लंबा, ये एक मोड़ है, होता है, तथा इसमें न्यूक्लियोटाइड के 10 युग्म यानी 10 जोड़े होते हैं। जो एक दूसरे से 3.4 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग की दूरी पर स्थित होते हैं। ये दोनों हेलिक्स एक दूसरे से 3.4 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग की दूरी पर स्थित हैं। फॉस्फोरिक अम्ल तथा डीऑक्सीराइबोज अणु के पांचवें कार्बन से एस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। अब देखेंगे कि ये हेलिक्स में एक तो आपका राइबोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और उसी में ही ये क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डीऑक्सीराइबोस शुगर ये जो है, इसके थर्ड कार्बन पे आपके क्या जुड़ा है, फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ा हुआ है, और एक फॉस्फोरिक अम्ल आपके फिफ्थ कार्बन है इस पर जुड़ा हुआ है। तो ऐसे करके ये चेन बनती है फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर की, यानी डीऑक्सीराइबोस शुगर की, और ये बॉन्ड जो है वो कहलाता है 5-3 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसी पेंटोज शुगर यानी डीऑक्सीराइबोस शुगर के पहले कार्बन पे आपका प्यूरीन या पिरिमिडीन, यहाँ पर पिरिमिडीन या प्यूरीन जुड़ा रहता है। अब हम देखेंगे कि वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। प्रत्येक डीएनए अणु पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के दो हेलिक्स होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में कुंडलित, अर्थात एक श्रृंखला में शर्करा के कार्बन फिफ्थ से तीसरे कार्बन की दिशा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है ये पांचवें कार्बन से तीसरे कार्बन की ओर है, और यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा है तीसरे कार्बन से, ये आपका थर्ड कार्बन से फिफ्थ कार्बन की ओर श्रृंखला बनती है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनी क्षार यानी नाइट्रोजनस बेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर व फॉस्फोरिक अम्ल एक एक अणु से बना होता है। जैसा कि कल हमने बताया, न्यूक्लियोटाइड किसका बना है, आपके पेंटोज शुगर का, फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षार। न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर अणु फॉस्फेट अणुओं से 5- और 3- फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। दोनों हेलिक्स के न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ये हाइड्रोजन बंध हैं जो कि ये दो श्रृंखलाएं हैं अलग अलग, ये एक श्रृंखला है, ये आपकी 5-3 है, तो ये 5-3, ये 3-5 की ओर जा रही है, और यहाँ पर ये दोनों
नाइट्रोजनस बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो अब इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए की एक हेलिक्स में प्यूरिन की मात्रा दूसरे हेलिक्स के मात्रा पिरिमिडिन के बराबर होती है। अतः एक हेलिक्स में एडेनिन तो दूसरे में उसी के सामने थायमीन होगा। और यहाँ पर देखिए ये एडेनिन है तो दूसरे स्थान पे थायमीन होगा, और यदि साइटोसिन है तो दूसरे स्थान पर ग्वानिन होगा। डीएनए के कुंडलीकरण यानी कॉइलिंग के परिणाम स्वरूप अणु में छोटे खांचे यानी माइनर ग्रूव्स व मेजर ग्रूव्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके आपको दिखाई देगा ये मेजर ग्रूव्स हैं और ये जो हैं आपके माइनर ग्रूव्स हैं। ये माइनर ग्रूव और ये मेजर ग्रूव्स बन जाते हैं किसके दौरान, कुंडलन के दौरान, कॉइलिंग के समय। डीएनए में शुगर व फॉस्फेट अणु का अनुपात समान होता है और दोनों श्रृंखलाओं के मध्य चेन्स के बीच में 20 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग की दूरी एक श्रृंखला के दो न्यूक्लियोटाइड जोड़े के मध्य, एक श्रृंखला के दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य 3.4 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग की दूरी होती है। वह हेलिक्स का एक चक्कर 34 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग का होता है। अतः प्रत्येक चक्कर में कितने समक्षार हो गए, समाक्षार हो गए 10 जोड़ी नाइट्रोजनस बेसिस आपको मिलेंगे।